कुंद कुंदा मंगलम सर्व मंगल मांगलम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जय तु शासनम जैनम जय तु शासनम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भवेत्। हे सर्वज्ञ वीतरागी जिन तुमको हम सब करे प्रणाम हितु उपदेशी केवल ज्ञान नाम पीरा माति पिता जग बंधु तुम्ही हो मन मंदिर में हो तुम वास हम बच्चों का मन हो निर्मल ऐसी हम करते अरदास तेन धर्म अच्छा कुल पाया व्यसनों हिंसादिक पापों को छोड़े क्रोधादिक से दूर रहे सतपथ पर हम सदा चलेंगे सुख शांति हम पाएंगे देवस्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे। जय बोलंत हंस परमेश्वरी भगवान की जय पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय श्री शंकर भगवान की जय आदिनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय हिनवाणी सरस्वती माता की जय अणधर परमेश्वरी भगवान की जय परम पूज्य भारत गुरु जगत गुरु गुणाधिपति खंडाचार्य हंत सागर जी गुरुदेव की जय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री गुप्ति नंदी जी गुरुदेव की जय धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय धर्म दो जितने भक्त बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को सभी भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद। आज का दिन हमारे 16 कारण पर्व में आचार्य भक्ति भावना का दिन है और आचार्य वैसे होते हैं जो हमें हर चीजों का ज्ञान कराए आचरण सिखाए। और हमारा विषय चल रहा है 5 इंद्रियों से संबंधित। आपको 1 इंद्रिय की विषय बताया 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं उनका आप नाम लिख कर डालिए कौन कौन से जीव 4 इंद्रिय में आते हैं और अम्मा हमारी बता रही यहाँ से और आप लोग लिख करके डालिए 4 इंद्रिय जीव में आप लोगों को नाम लिखना है उनका कौन कौन से जीव 4 इंद्रिय में आते हैं। बहुत बढ़िया अम्मा जी ने बहुत अच्छे नाम बताए यहाँ पे आप लोग भी लिख करके डालिए कि 4 इंद्रिय जीव में कौन कौन से है। बहुत बढ़िया सभी लोग लिखिए आप लोग को कितने नाम याद है उससे पता चलेगा। चार इंद्रिय हो गए 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और ये सब जितने भी जीव है मतलब इनके जीव के जो भेद है पहले संसारी और मुक्त फिर संसारी जीव में भी त्रस स्थावर फिर त्रस स्थावर में भी संगी और असंगी और उसमें भी फिर विकलत्र अलग है ना अम्मा संगी और असंगी भी होते हैं जो संग मन सहित जीव होते हैं वो संगी कहलाते हैं जो मन रहित जीव होते हैं वो असंगी कहलाते हैं। आपके पास में मन है कि नहीं वो भी आपको बताना है और जिनके पास मन नहीं होता है वो सब असंगी कहलाते हैं। वैसे 1 इंद्रिय से लेकर असंगी 5 इंद्रिय तक जीव असंगी 5 इंद्रिय 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव भी असंगी में आते हैं। जिनके पास मन नहीं है वो सब असंगी कहलाते हैं। मन का मतलब मन जिनके पास होता है तो उनको हित अहित का ज्ञान होता है। मैंने अभी आपको एक प्रश्न दिया था कि 4 इंद्रिय जीव में कौन कौन से जीव आते हैं उनका नाम लिखिए सब लिख करके डालिए 4 इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं। 4 इंद्रिय मतलब जिनके स्पर्शन इंद्रिय है ग्रहण रचना इंद्रिय है ग्रहण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय है तो ऐसे 4 इंद्रिय जीव कौन कौन से है उनके नाम यहाँ पर लिखो आप लोग भी। अम्मा ने बताया अभी पहले आप लोग लिखो फिर बाद में मैं बताऊंगी। अभी 1 ही जन 2 ही जनों ने लिखा है सब लिखिए जिससे आप लोगों को पता चले कि 4 इंद्रिय जीव में कौन कौन से प्राणी आते हैं। आप 4 इंद्रिय है 3 इंद्रिय है 1 इंद्रिय है 5 इंद्रिय है कौन सी इंद्रिय जीव है और आपके अलावा बाकी कौन से जीव है जो 4 इंद्रिय में आते हैं। कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था 4 इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं तो अभी आपको केवल लिख करके डालना है। हमारा 4 इंद्रिय तक का पूरा विषय हो चुका है। सबको आवाज आ रही है ना मेरी
आप सबको मेरी आवाज आ रही है तो आप सब लोग लिखिए, जिससे हमारा आगे का विषय चले। अगर आप लोग इतना याद नहीं कर पाएंगे तो कोई पढ़ने का कोई मजा नहीं, आनंद नहीं। जो भी आपको याद है कि हाँ ये जीव चार इंद्रिय में आते हैं, बहुत बढ़िया, तो उससे आप उन जीवों की रक्षा करेंगे, उन्हें के मान को मारेंगे नहीं। अगर गलती से मर भी गया वो प्राणी वो जंतु, तो उसका प्रायश्चित किया जाता है। ऐसे तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक हर जीव की रक्षा करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। गलती से अगर कोई मर जाता है उसका प्रायश्चित लिया जाता है। चीटियां बहुत ज्यादा अधिकांश घरों में जो होती है महिलाओं से चीटियां मरती है, ज्यादा कर देखो तो कहीं भी मीठा रख दिया है या तेल आदि गिर जाएगी, बिखर गिर जाए तो उसके बाद वहां चीटियां इकट्ठी हो जाती है, और चीटियां इकट्ठी हो जाती है तो या तो झाड़ू से बाहर कर देते हैं या फिर पानी की बाल्टी से बहा देते हैं। पानी की बाल्टी बोल दी और सब बहकर नाली में चला दी उनको। तो ऐसे कोई भी जंतु एकदम बरसात के समय में बहुत सारे हो जाते हैं और उनको किसी भी प्रकार के सताते हैं, कष्ट देते हैं, तो वे प्राणी आगे जाकर आपसे ही बदला लेते हैं। जो मारेगा उसको कष्ट तो मिलने ही वाला है, कोई किसी को छोड़ता नहीं है। जिसके पास में धर्म है, समता है, जो इतना विवेक रखेगा कि मैंने इसको सताया होगा पर मैं इसको नहीं सताऊं, ऐसा भाव रखेगा तो उसको कष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जिस जीव को अगर आपने कष्ट दिया तो वो अवश्य बदला लेगा। तो किसी जीव को सताना नहीं, मारना नहीं। बहुत बढ़िया, किसी ने तितली, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी और भौरा, फल पाखरू क्या होता है, फूल पाखरू भी कोई जीव का नाम है क्या? हो सकता हमारा मराठी भाषा में बोलते होंगे, हमको याद नहीं है। शायद भौरे को बोलते हैं क्या? अच्छा, उसको मधुमक्खी का बोलते हैं ना, मधु पीता है। तो तितली भी होती है, तितली भी चार इंद्रिय है। बहुत बढ़िया, जो मक्खी आपके खाने पे बैठती है वो भी चार इंद्रिय जीव है। जो मच्छर आपको बहुत अच्छा संगीत सुनाता है फिर आपको एक डंक मारता है वो भी चार इंद्रिय देव है। बटरफ्लाई तो वो तो हो गया, तितली है, बहुत सारे जीव है चार इंद्रिय में भी। जितने उड़ने वाले हैं छोटे छोटे कीड़े ततैया रहते हैं लाइट के पास, जितने उड़ते हैं, जितने मच्छर प्रकार, कितनी प्रकार के मच्छर है जो डेंगू मलेरिया फैलाते हैं, वायरल फैलाते हैं, जो वायरस कहलाते हैं। ये चार इंद्रिय जीव जो उड़ने वाले जितने भी है लाइट के पास में, जितने नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े बहुत उड़ते रहते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक भी रहते हैं, चार इंद्रिय है। कुछ कुछ इतने छोटे रहते हैं पर उनकी चार इंद्रियां हो जाती है। चार इंद्रियां मतलब आत्मा, आत्म प्रदेश हमारे इतने छोटे संकुचित हो जाते हैं, और वही जीव हाथी की पर्याय में चला जाए तो उसके आत्म प्रदेश इतने विस्तार के रूप में फैल जाते हैं, और वही जीव छोटा सा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, सूक्ष्म भी बन सकता है, बादर भी बन सकता है। सूक्ष्म बादर जो भेद होते हैं वो पंच स्तर में होते हैं, साधारण, प्रत्येक, बहुत सारा विषय है, एक गोमट सार का विषय है, लेकिन आपको इतना सारा नहीं बताऊंगी मैं, आप लोग सब उलझ जाएंगे ज्यादा विषय बताऊंगी तो। आप पंचेंद्री जीव, पंचेंद्री जीव किसे कहते हैं? जिनके पांचों इंद्रियां हैं उन्हें पंचेंद्री जीव कहते हैं। ऐसे पंचेंद्री में कहते हैं कुत्ता, बिल्ली, तीन सब भी पंचेंद्री जीव है। बाद में देव और देवियां, ये भी पंचेंद्रिय है, और नारकी जीव है, नरक में जितने हैं वो सब नारकी जीव पंचेंद्रिय है। तो चारों गति के जीव पंचेंद्रिय है। अब जो सबसे अधिक जो इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है और पंचेंद्रिय है, तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जो जितने जीव है वे सब कौन सी गति में आएंगे? इधर बैठो सामने, वो गर्दन नहीं घूमनी पड़ेगी, पढ़ने वाले को सामने बैठना चाहिए। हमने पूछा एक इंद्रिय, तीन इंद्रिय और जितने जीव है कौन सी गति के जीव कहलाएंगे? आप लोग भी बताइए। एक इंद्रिय से लेकर गतियां चार होती है,
नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, चार गतियां होती है। चार गतियों में से जो एक इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय असंगी जितने जीव है, एक इंद्रिय चाहे दो इंद्रिय चार इंद्रिय, ये सब जीव कौन से कौन सी गति में कहेंगे? पंचेंद्रिय नहीं आएंगे, नहीं गलत हो गया था। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जितने जीव है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार तक गिनो, चलो एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक के जीव कौन सी गति में कहलाएंगे, कौन सी गति के जीव है? अगर आप लोग नरक लिख रहे हैं तो क्या नरक यहाँ दिख रहा है क्या आपको? नहीं। नरक आप देख सकते हैं क्या यहाँ से? जैसे गतियां तो चार ही है, गति तो चार ही है ना, पांच तो है नहीं, तो चार ही गति है। और आपको कौन कौन सी गति दिखाई दे रही है अभी यहाँ पे? जब दो गति दिखाई दे रही है तो दो गतियों में से ये जो एक इंद्रिय जीव आदि है ये सब कौन सी गति में आएंगे? चारों गति के, चारों गति कैसे आ सकते हैं? आपको देव गति दिखाई दे रही है या मनुष्य गति दिखाई दे रही है? मनुष्य दिख रहे हैं आपको, तो मनुष्य क्या दो इंद्रिय भी है और तीन इंद्रिय भी, ऐसा है क्या? नहीं। जो लिख रहा है वो गलत लिख रहे हैं। मतलब अभी आप लोगों को सबको एकदम पक्का विश्वास नहीं है कि कौन सी गति के जीव हो सकते हैं। एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय जीव जितने भी है वे सब जीव कौन सी गति के जीव है, मेरा प्रश्न ये है। तो कोई मनुष्य लिख रहा है, कोई नरक लिख रहा है, तो नरक आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर? नरक में जितने जीव है वो सब पंचेंद्रिय जीव है, मैं पहले ही बोली और फिर बोल रही हूँ। तिर्यंच गति में केवल जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं उनके अलावा जो नरक गति के जीव है वो सब पंचेंद्रिय है। वहां चाहे वृक्ष हो, वहां पे चाहे नदी हो, जो वेतरणी नदी है, सेमल नाम के जो वृक्ष हैं, वो सब नारकी जीव अपनी विक्रिया से बनते हैं, अस्त्र शस्त्र बनते हैं, लोहे की कड़ाई बन जाएंगे, चूल्हे बन जाएंगे, लोहे के पुतले बन जाएंगे, एक दूसरे को जला डालेंगे, वो सब कुछ बन जाते हैं अपनी विक्रिया से। अपनी विक्रिया से इतनी बड़ी नदी बन जाते हैं, खून पीप राव और वो कीड़े मकोड़े सब बन जाते हो, उनके पास विक्रिया है। तो जो नारकी जीव है वो तो हो गए पंचेंद्रिय। हमारा प्रश्न है आपसे कि भाई एक इंद्रिय से लेकर जो आपको वनस्पति दिख रही है, जल आपको दिख रहा है, अग्नि आपको दिख रही है, वायु आपको दिख रही है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये सभी को दिखता है ना? पंच स्थावर आपको सबको दिखाई देता है, पंच स्थावर आपको है, तो ये जो प्राणी है पंच स्थावर है कैसे नहीं दिखती? हवा चल नहीं रही क्या? उसका अनुभव तो कर रहे हैं ना। और अपन जिंदा किससे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अनुभव कर रहे हैं, हवा है ना, हवा है। कुछ चीज ऐसी होती है जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे किसी भी चीज में मसाले आदि है, फिर मसालों पे आ जाएंगे कि मसाला खुशबू तो हमको आ रही है, खाने के बाद पता चलेगा ना। झिंगड़ा अकेला खाओगे तो वो कड़वा ही लगेगा, और ऐसे सुगंध आ रही है आपको बहुत अच्छी, बाहर जैसे खुशबू आ रही थी, लेकिन सबको अलग अलग, कोई बोल रहा है कि वो रात रानी फूल है, कोई बोल रहा है वो फूल है, मैं बोल रही अलग फूल, तो सबको अलग अलग खुशबू तो आ रही है, पर उसकी उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुशबू कहाँ से आ रही उस चीज को थोड़ी देख पाएंगे। चीज को, कुछ चीजों को होते हैं, कोई भी आपकी मम्मी की आवाज यहाँ से सुनाई पड़ रही है, परंतु भारती कहाँ से बोल रही है? शब्द वर्गणा हमारे पास में आ रही है, हम आवाज पहचानते हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन वो मंदिर में है कि वहां है कि लड्डू कहाँ है, कहाँ से बोल रही है? आवाज से हम शब्द वर्गणा से, उस शब्द की वर्गणा हमारे कान में टकरा रही है कि ये व्यक्ति बोल रहा है, पर हम ये नहीं बोल सकते, शब्द नहीं दिखाई दे रहे ना, शब्द सुना ही पड़ रहे हैं। चीज होती है लेकिन सब चीजें हमें दिखाई नहीं दे, जैसे आपका मोबाइल चल रहा है, शब्द
जो ऊर्जा उसके ऊपर वहां से आ रही है, ऊर्जा मिल रही है उसके कारण वो चल रहा है। नेट की रेंज आ रही है तो आपका मोबाइल आपके कमरे में चल जाएगा, नेट की रेंज नहीं मिली तो कमरे में क्या बाहर भी नहीं चलेगा, उस टावर के नीचे बैठ के भी नहीं चलेगा, है ना। परंतु वो तो है ना, उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं हुई है। उसी प्रकार शब्द वर्गणा होती है, ये पुद्गल की पर्याय होती है सारी चीजें। तो हमारा प्रश्न आपसे एक ही था कि भाई जो एक इंद्री से लेकर चार इंद्री जीव है वो कौन से इसमें आएंगे, कौन सी गति के जीव कहलाएंगे। कुछ कुछ भक्त लोग सही भी लिख रहे हैं, एक इंद्री से लेकर चार इंद्री तक। हाँ ठीक है, एक इंद्री से लेकर चार इंद्री जीव तक कौन सी गति में आएंगे, गतियां चार है तो चार गति में से कौन सी गति में आएंगे वो, कौन सी गति में। और आपके अनुसार अम्मा, आपके अनुसार नहीं नहीं मैंने प्रश्न ये पूछा कि एक इंद्री से चार इंद्री जीव, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री सब है ना, तो ये सब कौन सी गति में आएंगे। गति जैसे आप मनुष्य गति के हो, मैं मनुष्य गति की कि देव गति की, मनुष्य है ना, पेड़ पौधे है, चींटी है, मकोड़े है, मच्छर है, ये सब कौन सी गति में आएंगे। बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सब ने सही जवाब दिया है। आप लोगों ने भी कुछ कुछ शब्द सब सही लिख रहे हैं अभी, कि जितने जीव है एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे जीव तिर्यंच गति में आएंगे, चार गतियों में से तिर्यंच गति के प्राणी है। एक इंद्री भी तिर्यंच में है, दो इंद्री भी, तीन इंद्री भी, चार इंद्री भी, ये सब तिर्यंच है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच तो आप जानती है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, चीता, हिरण, बकरा, बकरी, जितने तिर्यंच प्राणी है उन सबको नाम भी जानते हैं, चित्रों के माध्यम से भी जानते हैं, तो ये सब भी तिर्यंच गति के जीव है। सांप हो, नेवला हो, छिपकली हो, सभी जगह तिर्यंच रहते हैं। कुछ तिर्यंच तो क्या मनुष्य है, क्या गाय गाय क्या मनुष्य है, तो आपके कमरे से लाना आज से, आप वही जाके सुना, नहीं तो उनको ले आना सकते हैं। तो उसको तो समझता है, क्या समझता है, तिर्यंच प्राणी जहाँ खाता है, जहाँ सोता है, वही हकता भी है, वही गोबर करता है, उसी में खा रहा है, गोबर भी कर रहा है, मूत भी कर रहा है, लेकिन खा भी रहा, रह भी रहा है। तो तिर्यंच गति गाय कोई स्पेशल नहीं है आपकी काम देने हो। हाँ हम अंदर आ जाएंगे। तो जितने तिर्यंच प्राणी है वो सब गाय हो, भैंस हो, हाथी हो, कुत्ता, बिल्ली, जो कुत्ते को बहुत प्यार से पालते वो भी तिर्यंच ही है, जो बोल नहीं सकते। अब बोलना जैसे तोता बोलने सीख जाता है, तोता बोलने लग जाता है तो तब भी वो तिर्यंच में ही बोलता है तिर्यंच। तोते को बोलना सिखाए, कुछ 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 तोते होते हैं जो बोलते हैं उनको बोलना सिखाते हैं, वो पूरी पूरी कहानियां सुना देते तोता। बोल दो, राम राम बोलता है। हाँ एक दो, एक तोता, दो तोते थे एक साथ में जन्मे थे, तो उन तोतों का जब थोड़ा सा बचपन में जन्म होने के बाद में थोड़े से बड़े हुए तो उन तोतों को, एक तोते को तोते के मालिक ने राजा की रानी को भेंट में दे दिया और एक तोते को उसके गुड़साल के वहां पे रख दिया। दो तोता खरीद के लिया राजा तोते वाले से, तो एक राजा के, राजा की रानी को दे दिया और दूसरे तोते को गुड़साल किया, जो घोड़ा जहाँ घोड़े बनते थे वहां पे जो गुड़साल रहे, गुड़साल जो घोड़े को पालन करने वाला रहता ना, उसके वहां पे रख दिया। अब तोता जो गुड़साल था, घोड़े चलाने वाला, तो घोड़ा वाला जो था, घोड़े वाला जो था दिन भर घोड़ों को मारता रहता और गालियां देता था, नालायक, खा गए, बैठ गए, आ गए, इस प्रकार वो कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग करता। और वो तोते जो थे दोनों बोलना सीखते, बोलना जानते थे, बचपन से वो सीख रहे थे। तो उसके बाद में जो दूसरा तोता था जो रानी के पास में था, तो राजा जब भी रानी जो बोलती थी, रानी के वहां जो तोता था, तो वो तोता क्या बोलता, आइए बैठिए महाराज, आपका स्वागत है, आपके लिए मैं ठंडा लेकर आऊं, आपके लिए मैं पानी लेकर पानी बुलाती हूँ, आप बहुत थक गए होंगे, अब आप आराम कीजिए। तो रानी
जैसा जैसा राजा को बोलती थी, राजा जब भी रानी के पास जाता था तो राजा को रानी जैसे स्वागत करती थी, तो वैसा ही रानी नहीं भी हो कमरे में, मतलब अपने महल में वहां नहीं हो, और महाराज पहुंच जाते अचानक तो तोता बोलने लगता, आइए महाराज आपका स्वागत है बैठिए, तो राजा बहुत खुश होता था। और वो दूसरे तोते के पास जाता था, नालायक आ गया, खाया नहीं खिलाया नहीं, और चाबुक मारते और गालियों का प्रयोग करता था। राजा परेशान कि दोनों तोते जो थे एक ही उसके बच्चे थे, एक ही के दोनों भाई जुड़वा थे और दोनों एक साथ जन्मे हैं, दोनों को एक साथ लेकर आया, लेकिन ये ऐसी गालियां देता है। और रानी के महल में जो तोता रहता है तो वो इतने अच्छे मीठे शब्दों से स्वागत करता है मेरा, तो उसको एकदम इतना तेज गुस्सा आया कि ये साल में जो तोता रहता है उसको यहाँ से मार डालूंगा। तो वो जैसा राजा वहां बोला तो उस तोते ने भी पलट कर जवाब दिया कि मैं तेरे को मार डालूंगा। मतलब जैसा वो बोलता था, घुड़साल के पास रहता, वो गालियों का प्रयोग करता था, जो गालियां देना सीख गया। फिर राजा बेचारा अपने महल में आया वापस, कौन इसके मुंह लगे, तो वो भी बोलता कौन इसके मुंह लगे। तोता बोलता था बेचारा जाने दे इसको, कौन इसके मुंह लगे, तो वो भी बोलता कौन इसके मुंह लगे। ऐसा छोड़ता था और मंजी को ले आ गया कि ऐसे चलो अब इसके पास में कभी नहीं आएंगे, तो वो भी आते आते जब बोलते इसके पास कभी नहीं आते, तेरे पास में कभी नहीं आएंगे, ऐसा तोते ने बोल दिया। बाद में वो राजा अपने कक्ष में आता है, मंत्री मंत्रणा करता है कि मंत्री जी बात समझ में नहीं आई, मैं दोनों तोतों को एक साथ लेकर आया, लेकिन दोनों तोते के अंदर कितना अंतर है, एक माँ के बच्चे है और दोनों उसको सोने के पीने में रखा भी सोने पीता है, जैसा इसको खाने को भेजता हूँ वैसा उसको भी देता हूँ, अच्छा खाते हैं पीते बढ़िया रहते हैं, लेकिन एक तोता है रानी के महल में जब भी जाता हूँ तो मैं कितना भी थका आ रहा हूँ, लेकिन तोता कितने अच्छे से स्वागत करता है मेरा, मेरी सारी थकान उतर जाती है, मैं जब भी जाता हूँ तो मेरे को गालियां देता है, थकान आ जाती उसकी गालियां सुननी पड़ती है। तो फिर मंत्री ने कहा महाराज आप बुरा मत मानिए, उसका कारण मैं बताता हूँ। पुरोहित भी बैठे थे, मंत्री जी बैठे, तो उन सबसे मंत्रणा चल रही थी कि कारण क्या है, क्योंकि राजा लोगों की जो बात होती है वो मंत्री ही उनकी दिमाग को चलाते हैं, राजा में इतनी बुद्धि नहीं रहती बेचारे, बुद्धि तो रहे लेकिन राजा जो है ना आधा काम मंत्रियों के बल पे ही करता है। मंत्री और पुरोहित आदि थे, उन सब ने अपना अपना विचार विमर्श किया रखा कि महाराज ऐसा है कि जब भी रानी के महल में जाते हैं तो महारानी जी अपनी बहुत मधुर बोलती है, बहुत मधुर व्यवहार करती है, आपको वो अच्छे से स्वागत भी प्यार भरे शब्दों से आपका स्वागत करती है, और रानी जी दिन भर जिन शब्दों का प्रयोग करती है वो शब्द वो पूरे पूरे ध्यान से सुनता है, वो सुनता है वैसा ही वो सीख चुका है, क्योंकि बचपन से आपने उनको लाकर रखा था इसलिए वो वैसी बोली सीख गया। और इधर जो है घुड़साल में जो रहता है, जो घुड़साल वाला आदमी है वो दिन भर घोड़ों को गालियां देता रहता है, काम नहीं करते, खाली बैठे रहते हैं, खा लिया पी लिया मोटे हो रहे मस्त हो रहे, तो जैसा जैसा गुड़वा घोड़े वाला शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है तो वैसा वैसा वो तोता सीख रहा है, इस कारण उसकी कोई गलती नहीं। तोता रटंत विद्या बोलते हैं ना कि तोता रटंत विद्या, इसी को कहा जाता है कि तोते ने जो सुना उसको रट लिया। भाई एक साधु के पास एक तोता था, तो साधु ने सिखा दिया कि बिल्ली उसके पीछे पड़ी थी तो साधु ने उसकी रक्षा करी, तो साधु ने उसको सामने बिठा करके बिल्ली को तो भगा दिया, उसके बाद में तोते को बोल दिया कि बिल्ली से सावधान, इतना सीख लिया उसने, बिल्ली से सावधान रहो, बिल्ली से सावधान रहो, बिल्ली से सावधान रहो, तो तोता जहां भी बैठा रहता बिल्ली से सावधान रहो, बिल्ली से सावधान रहो। एक दिन महात्मा कहीं गए थे बाहर और वो तोता वहीं बैठा हुआ था, इतने में बिल्ली ने मौका देखा और बिल्ली आ गई अंदर, और बिल्ली आ गई और वो बोल रहा है बिल्ली से सावधान रहो, बिल्ली से सावधान रहो, लेकिन बिल्ली उसके पास में आती 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 पीछे से उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद भी बिल्ली से सावधान रहो, मुंह अंदर रहे लेकिन बिल्ली से सावधान रहो, बिल्ली से सावधान रहो बोलता रहा, लेकिन वहां से उड़ नहीं पाया कि मेरे को बिल्ली ही पकड़ रही है, तो इसको तोता रटन बोलते। हमने पढ़ाया लिखाया लेकिन इसका कारण हमने नहीं जाना, किसी भी चीज के विषय भी कारण पे नहीं गए, तो हमें कारण के बिना कुछ भी चीज को केवल पढ़ लिया, पहली क्लास पास कर ली क्या करना है,
पहली तो पढ़ ली, अब तो दूसरी में जाना है, तो पहले पाठ और पीछे सपाट होता जाता है, उसी को बोलते हैं तोता रटन। तोते की तरह जो रटता है उसको तोता रटन विद्या कहते हैं। तो हमारा जैन धर्म का जो ज्ञान है वो तोता रटन की तरह नहीं होना चाहिए। जो हम सीखते हैं वो हमेशा हमें याद रहना चाहिए, हमेशा हमेशा मेरे मुख पाठ रहना चाहिए, है ना। बचपन में जो नमोकार मन सिखाया या कोई भी स्तोति स्तोत्र आदि सीखे आप तो वो आपको याद रहेगा, लेकिन अभी आप बड़े होकर के आपको सिखाएंगे तो अभी सिखाएंगे थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। अभी यहाँ लिखने को बोलते तो जल्दी से लिख नहीं पाते आप लोग। तो हम कोई बात नहीं, अगर आप हमारे ज्ञान से निकल भी गया, हम ध्यान से सुन भी रहे गुरु के वाक्य, तो हमारी यह वाक्य ही हमारे लिए सम्यक दर्शन में कारण बनेंगे, अगले भव में यही विशेष ज्ञान को देने वाले होंगे। भूल भी जाओ लेकिन फिर भी श्रद्धा के साथ में सुनो, जिनवाणी के वाक्य को श्रद्धा से जो सुनता है तो वही ज्ञान विनय ने शुद्ध मदीना मद पीने से सुना हुआ ज्ञान अगले भव में केवल ज्ञान दिलाने में कारण होता है। इसलिए तोते की तरह रटना नहीं है, हमें पूर्वक ग्रहण करना। सही है, इसके अलावा और कुछ भी सही नहीं। हम चाहे जाने चाहे ना जाने, बस देव शास्त्र गुणी की वाणी पर श्रद्धा करें, और इतना श्रद्धा जो कर लेता है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, अगले वो में केवल ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो तिर्यंच गति के जीव जितने, इसलिए तिर्यंच गति की अपेक्षा जीव की संख्या जो होती है अनंता अनंत होती है। तिर्यंच गति में जो वनस्पति है उसमें वनस्पति का है जीवा अनंता अनंता, बाकी तिर्यंच अनंता अनंत में नहीं आएंगे। तिर्यंच प्राणी अनंता अनंत है, उनका भी अंत नहीं होने वाला है। जंगल में कहीं भी जाइए, नाना प्रकार की वनस्पति सब तरफ अपने आप, क्या वो सब बीज आपने डाले थे? कुछ कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि बीज पहले आया था कि वृक्ष पहले आया, वृक्ष पहले आया कि बीज पहले आया? आधार आदेश संबंध है ना, तो बीज के बिना वृक्ष है ना, वृक्ष के बिना बीज है, लेकिन क्या ये सारे बीज वहां पर उनको वातावरण मिलता है और अपने आप ये समूर्छन जीव है और अपने आप ये सब चीज पैदा होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो वनस्पति की अपेक्षा जीवों की संख्या अनंत अनंत रूप में है, अनंत अनंत वनस्पति के भेद होते हैं। इस कारण चातुर्मास में साधु लोग एक जगह रहते हैं, बस जहां तक की छूट रखते हैं वहीं तक विहार करते हैं, 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जहां तक समाज के लोग रहते हैं, समाज के घर हो वहां तक साधु छूट रखते हैं, बिना कारण विहार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जीवों की उत्पत्ति चातुर्मास में हो जाती है। अभी जो पहाड़ धर्म तीर्थ का पूरा हरा भरा हो गया, गर्मी आएगी सारा पत्ते पूरी मिट्टी दिखाई देगी और अभी पूरा हरा हरा दिखाई दे रहा, तो ये सब चीजें अपने आप जो उत्पन्न हो जाती है वैसे वनस्पति एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री और पंचेंद्री तिर्यंच प्राणी, ये सब तिर्यंच गति के जीव है, ना ये देव गति के है ना ये मनुष्य गति के और ना ये नरक गति के, और पंचेंद्री जीव में जो है वो पांचों चारों गतियों के जीव आ जाएंगे, मनुष्य भी देव भी नारकी भी और तिर्यंचे भी, और उसमें तिर्यंचे में फिर इसमें संगी असंगी भेद भी होते हैं। तो जिनके पास मन है वो संगी जीव है और जिनके पास मन नहीं है वो असंगी जीव है। आपके पास मन है कि नहीं? आपके पास मन है कि नहीं? मन है। आप लोगों के पास है मन जो जूम पे बैठे हैं? मन से सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुन रहे हैं? आपके पास मन होगा आप जरूर मन से ही थे, मन नहीं होगा है मन? अच्छा, मतलब आपका मन लग रहा है ना सुनने में, तो आपका मन है, मन है आपके पास में। मन वाला जीव मन की पहचान है, बोलते ना मन के हारे हार मन के जीते जीत, मन गंगा तो कटौती में नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन जिसका चंगा नहीं है तो उसके कटौती में गंगा नहीं समाहित हो सकती। उसी प्रकार मन वाला जीव जो होता है वो हित का ज्ञान रखता है, मेरे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, बस इतना ही मन वाले पास में रहेगा। जो हितकारी होगा उसको ग्रहण करेगा, जो अहितकारी होगा उसे छोड़ देगा। तो हमारे लिए हित क्या है, हमें हित का उपदेश कहाँ मिलने वाला है? हमारा हम ये तो जानते हैं श्रावक भी, हित हमारा जैन धर्म में ही है, हमारे देव शास्त्र गुरु के बताए मार्ग पर ही है, चल पाए नहीं चल पाए वो उनकी शक्ति। हर व्यक्ति
हम बोले कि हम तो चाहते हैं कि सारे लोग साधु बने, आप लोग की भावना रहती है और आप लोग फिर ये भी बोलते हैं अरे सब साधु बन जाए तो और कौन ले। पर ऐसा नहीं है, जीवों की संख्या कम नहीं होगी, आपकी भावना तो होती है साधु को देखकर त्यागी व्रति बनने की, संयमी बनने की भावना तो होती है, लेकिन चारित्र मोनी कर्म बीच में आ जाता है, आपका मोह आपको रोक लेता है। और भाव हुए मतलब मन हुआ कि वास्तविक मार्ग तो धर्म का ही मार्ग है, इसमें हमारा कल्याण होगा, तो हम मन वाले हैं तभी हम अपने हैं। ये विषय हमारा कल चलेगा, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक का विषय पूरा हो चुका है। पंचेंद्री, पंचेंद्री में कौन है, चार इंद्री में कौन है, सब पूरे विषय आपको अच्छे से मैंने बता दिया है। आज की सभा हम नमोकार मंत्र के साथ में यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगली भक्ति की सभा प्रारंभ होगी। नमो हरिहंताड़ा, नमो सीताड़ा, नमो हरियाड़ा, नमो अजाड़म, नमो लोए सब साउड़ा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, इच्छा पूर्वक आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य गुप्त नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके हैं, गुरुदेव को छोड़ दीजिए। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव। हाँ माता जी, बहुत सर आपको आशीर्वाद, बहुत अच्छे विषय माता जी ने अभी आपको समझाए, अच्छा ज्ञान आपने प्राप्त किया है, इनके भाग्य है, पुण्य है। शांति स्तोत्र आरंभ करते हैं। जय